पुलिस सेटर नोएडा में पुलिस से रंगे हाथ दो चेन स्नैचर्स को दबोच लिया। चेन लुटेरों को पकड़ने के लिए किस तरह से जाल बिछाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दो बाइक सवार एक महिला के गले से चेन लूटकर फरार हो गए। महिला जमीन पर गिर गई, लोग तमाम भीड़ बने रहे। किसी ने भी झपटमारों को रोकने की कोशिश नहीं की। चेन स्नेचिंग की ये वारदात नोएडा सेक्टर 12 की है। पहली नजर में कोई भी कहेगा कि लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, लेकिन असल में ये पुलिस का प्लान था। जिस महिला के गले से लुटेरों ने चेन तोड़ी वो कांस्टेबल है और इस लूट के बाद वहाँ सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वाले लुटेरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हमारी जो महिला आरक्षी थी वो डिकॉय की पार्ट थी, उस पर उसकी चेन खींचने का अटेम्प्ट हुआ। जो पुलिस लगी हुई थी उन्होंने उनका पीछा किया। ये दोनों अपराधी थे, इन पे हथियार थे। बताया जा रहा है कि लुटेरों का ये गैंग पहले भी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस को इस गैंग की कई शिकायतें मिली तो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। इसके लिए महिला कांस्टेबल की मदद ली गई और पुलिस का प्लान सफल हो गया। हालांकि इस दौरान पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक झपटमार के पैर में गोली लग गई। अब लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके पास से पिस्टल, सोने की ज्वेलरी और चोरी के कई सामान बरामद हुए हैं। रोहित शर्मा, नोएडा, इंडिया न्यूज़।